हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको पेनी बाई से रिटेलर का करंट अकाउंट खोलना सिखाऊंगा कि रिटेलर कैसे अपना करंट अकाउंट खोल सकता है, और इसमें जो इसका करंट अकाउंट ओपन होगा ये क्या TDS फ्री होगा, और क्या ये मूव टू बैंक के लिए बेस्ट है। तो चलिए इसके बारे में हम सब कुछ बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी हम और ऐसी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले आपको पता ही होगा कि इसका सब्सक्रिप्शन आपको बाय करना है, यानी इस सर्विस को एक्टिवेट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले आपको ऐसा ऑप्शन देखने को मिलेगा। जब आप शॉप बेनिफिट में आएंगे, ओनर शॉप बेनिफिट में, तो यहाँ पर ओपन TDS फ्री डिजिटल करंट अकाउंट आपको लिखा हुआ शो कर रहा है, और इसमें आपको कोई भी मंथली चार्ज नहीं लगेगा। बाकी आप अपना यहाँ पे QR और UPI दोनों एक्सिस बैंक के ऐप से ही कर सकते हैं। और बाकी ये आपका APS और माइक्रो ATM के लिए इसका इस्तेमाल आप मूव टू बैंक में कर सकते हैं। तो आपको अपना मंत्रा मोर्फो जो भी डिवाइस है उसको अपने पास रख लेना है। और उसके बाद चलिए हम यहाँ पर कैसे अकाउंट ओपन करना है उसको हम यहाँ पे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मैंने जो अपना लैंग्वेज है वो हिंदी कर रखा है, आप हिंदी भी कर सकते हैं या फिर इंग्लिश में भी रहने दे सकते हैं अगर आपका इंग्लिश है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम ऐसे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ये आपका वैलिडेट होगा। उसके बाद ऐसा ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर एप्लीकेशन आ जाएगा। सबसे पहले आपका मोबाइल नंबर होगा और यहाँ पर आपको ये 5 स्टेप दिया गया है। सबसे पहले आपको यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे तो करंट अकाउंट का ऑप्शन आएगा, फिर से आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है, यानी जारी रखें। उसके बाद आपका एनुअल इनकम पूछेगा, जो भी आपका एनुअल इनकम होगा वो आपको डाल देना है। उसके बाद फिर से कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद आपका पैन कार्ड नंबर मांगेगा, जो आपके रिटेलर ID का पैन कार्ड है वो आपको डालना है और जारी रखें। उसके बाद यहाँ पे आपके पास अगर लोन है या फिर क्रेडिट कार्ड है तो यस नो करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे नो करके एग्री एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। अगर यस है तो, अगर आपने लोन लिया है तो हाँ पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे जैसे फिर यहाँ पे आपको तीनों को टिक करके और एग्री एंड कंटिन्यू पे फिर से आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर OTP जनरेट होगा और आपको एक OTP रिसीव्ड होगा, जिसको आपको यहाँ पे फिल करना है, और फिल करके इसको आपको सबमिट करना है। तो जैसे आप यहाँ पे अपना OTP डालकर इसको सबमिट करेंगे, उसके बाद ये आपका मोबाइल नंबर वेरीफाइड हो जाएगा। और मोबाइल नंबर वेरीफाइड होने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप आपका चालू हो जाएगा, जो कि यहाँ पे सबसे पहले आपको आधार नंबर डालना होगा, जो भी आपका आधार नंबर है वो आपको डालना होगा। और यहाँ पे जो भी आपका डिवाइस है उसको सेलेक्ट करके आपको अपना फिंगर को अटैच करना होगा, स्कैन करना होगा। तो चलिए हम अपना फिंगरप्रिंट डिवाइस को यहाँ पे उंगली स्कैन करे पे क्लिक करते हैं, और आपका यहाँ पे फिंगर स्कैन होगा और इसको हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपका ये जो भी आपका आधार कार्ड में डिटेल होगा वो सब आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको फिर से कंटिन्यू यानी आगे बढ़े पे क्लिक करना है। उसके बाद आपका रिटेलर का एक लाइव फ़ोटो मांगा जाएगा, जिसके लिए आपको फ़ोटो ले पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे लिखा है कि रिटेलर अपना फ़ोटो क्लिक करना है, जिसमें आपको अपने आँख को झपकाना है, यानी ऐसे आँख को बंद करना है। और यहाँ पे उसके बाद आपका फ़ोटो लेने के बाद थोड़ी देर तक ये पेंडिंग में रहेगा, आपको बैक नहीं करना है। तो और उसके बाद यहाँ नेक्स्ट स्टेप फिर से चालू हो जाएगा, जहाँ पर आपका एड्रेस आ जाएगा, और आपको सेम कम्युनिकेशन एड्रेस भी अगर आपका सेम है तो यहाँ पे टिक करेंगे और वो सब आपको यहाँ पे डिटेल आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद आपका जो भी नज़दीकी में ब्रांच होगा एक्सिस बैंक का, वो सब का डिटेल आपको यहाँ पे आ जाएगा। आपका जो भी सबसे नज़दीक होगा आपको उसी को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको पर्सनल डिटेल मांग रहा है, जैसे आपका ईमेल ID और आप काम क्या करते हैं, आपका एनुअल इनकम, ये सब पूछा है। उसके बाद आपको फैमिली डिटेल यानी मदर फादर का नाम, उसके बाद आपको नॉमिनी डिटेल, नॉमिनी में जिसका भी नाम डालना चाहते हैं वो डाल देंगे। यहाँ पे आपको 500 रुपये आपके वॉलेट से डिडक्ट हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे आपका पूरा जो आपने फॉर्म फिल किया है शुरू से लेकर लास्ट तक, वो सब आपको यहाँ पे
देखने को मिल जाएगा। अगर आपको कहीं पे लगता है गलत है तो साइड में आपको पेंसिल का आइकन भी दिख जाएगा, वहाँ से आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ पे टिक करेंगे और यहाँ पे इसको कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर से आपको फिंगर को स्कैन करना होगा। चलिए यहाँ पे फिर से हम फिंगर को स्कैन करते हैं और आप अब यहाँ पे फिंगर स्कैन होने के बाद आपका फिर से वेरीफाइड होगा और यहाँ पे आपका ये सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद आपको ये आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हो जा रहा है। उसके बाद आपको अकाउंट नंबर मिल जाएगा जो कि आपका 48 घंटे में चालू हो जाएगा और यहाँ पे आपको एटीएम और चेकबुक। तो दोस्तों आपका एटीएम और चेकबुक मैंने बता दिया कि बाय पोस्ट आएगा, अनलिमिटेड आप चेकबुक अप्लाई कर सकते हैं और इसमें आपको पासबुक नहीं मिलता है क्योंकि ये करंट अकाउंट है और करंट अकाउंट में आपको पासबुक नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको एटीएम कार्ड मिलेगा और चेकबुक मिलेगा। उसके बाद अगर आपका अकाउंट ओपन नहीं होता है किसी वजह से, तो अगर आपके पास एक्सिस बैंक का लोन है या फिर आपके पास करंट या सेविंग अकाउंट पहले से है तो यहाँ पे आपका अकाउंट ओपन नहीं होगा, या फिर अगर आपने लोन लिया है या फिर आपका क्रेडिट कार्ड है एक्सिस बैंक का तब भी आपका यहाँ पे अकाउंट ओपन नहीं होगा। तो यही था वीडियो, उम्मीद है कि वीडियो पसंद